मैनपुरी के विधायक व पर्यवेक्षक राम नरेश अग्निहोत्री की देखरेख में भाजपा पार्षद दल का हुआ गठन। कैंपियनगंज के मखनहा गांव में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने महिला चेतना उपवन एवं महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की किया घोषणा। वेतन बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आशा बहुओं ने निकाला जुलूस, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। निर्माणाधीन एम्स के कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर राजस्व संग्रह अमीन संघ का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार रहा जारी। गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्राओं का मतदाता सूची में जोड़ा गया नाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को संगीत के विविध आयामों की दी गई विस्तृत जानकारी। मुसाफिरखाने में बीती देर रात लगी आग, मुसाफिरखाने में ठहरने वालों का 20 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में शास्त्री चौराहे पर चलाया गया जागरूकता अभियान, हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलने वालों को चॉकलेट देकर किया गया उत्साहवर्धन। रोहित वेमुला की बरसी पर पूर्वांचल सेना ने की श्रद्धांजलि सभा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ शिल्प मेला, एक ही प्रांगण में सिमटा पूरा भारत। औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा इन्वेस्टर्स समिट 2018। गोरखपुर महोत्सव के शिल्प मेले का हुआ समापन, पुरस्कृत किए गए प्रदर्शनी लगाने वाले कई संस्थाएं। और मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में एडीएम सिटी कार्यालय में आम जन दर्ज करा सकते हैं अपना बयान।